हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवियन। गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाना है ट्रेडिंग करके प्लेलिस्ट में और वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीरीज आने वाली है, धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड कर सकते हैं। और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, कि आपको पता है हमारा जो चैनल है जाना ही जाता है आसान भाषा में समझाने के लिए। तो कंटिन्यू रखना, देखना वीडियो को। और एक और बात यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना या फिर पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आने वाली है आप लोगों को। और चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली और आप वहां से भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं, प्रीवियस पार्ट में आपको मैंने थोड़ा सा डोजी का जो है एग्जाम्पल दिया था और थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से पैटर्न को आप रीड कर सकते हैं, क्या रियल बॉडीज होती हैं, क्या शेडो होती है और किस तरीके से हम उनको जज कर सकते हैं, बेसिक के साथ गए थे। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इफेक्ट्स, कि किस तरीके का पैटर्न आपको मिले तो क्या इंडिकेशन मिल सकता है आपको कि किस तरीके से ग्राफ जो है डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इंडिकेट करेगा। तो आज अभी आप जो पीपीटी देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे लैपटॉप की, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं एक चार्ट है जो अपवर्ड डायरेक्शन आपको शो कर रहा है। तो ये देखिए, जहां पे सर्कल है इस तरीके का अगर आपको पैटर्न मिलता है आपके ग्राफ पे, जब भी आप ट्रेड लेते हैं रियल टाइम सिनेरियोस की बात करते हैं, तो इस तरीके का पैटर्न आपको जब भी मिल जाता है, मतलब एक डोजी कैंडल और उसके बाद एक छोटी कैंडल अगर आपको मिलती है जो कि शेडो होती है, तो फिर जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं और आपको इसी तरीके का पैटर्न आने वाले ग्राफ में देखने को मिल सकता है। तो अब जो है मैं थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरी जो है पीपीटी उस पर मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं स्निपिंग टॉप्स पे। तो स्निपिंग टॉप्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए गाइस, ये जो पैटर्न है नीचे आपको जो सर्कल किया हुआ है ये आपको दिख रहा है, इस तरीके का पैटर्न आपको कभी भी मिलता है, मतलब अगर आपको एक डोजी मिलता है, डोजी के बाद भी अगर आपका पैटर्न जो है चेंज नहीं होता है तो आपको थोड़ा वेट करना है। देन आपको एक शेडो मिलेगी, शेडो के बाद आपकी ब्लैंक कैंडल मिलेगी, ब्लैंक कैंडल के बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक और डोजी मिलेगी। देन इस तरीके का अगर आपको पैटर्न मिलता है तो आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किस तरीके से हम ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से रीड कर सकते हैं चार्ट को और किस तरीके से मार्केटिंग इंपैक्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम वही सिचुएशन है जो आप जो है क्वेश्चन करते हो। जैसा कि आपको पता है, आप जो कमेंट्स करते हो वीडियोज के नीचे, ईच एंड एवरी कमेंट मैं पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद जो मुझे लगता है जिस वीडियो पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं उस पर वीडियो आपके लिए जरूर लेके आता हूं। तो यहां पे आप चेक कर पा रहे हैं इस तरीके का पैटर्न आपको जब भी मिलता है तो आपको करना क्या है, सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करनी है प्लेस। और आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए भी करते हो तो भी आप विन करोगे, अदरवाइज अगर आप 1 मिनट के लिए भी करते हो तो भी आप विन करोगे। तो इस तरीके से हम मार्केटिंग इंपैक्ट का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। आपको छोटी छोटी दो डोजी कैंडल यहां पर दिख रही होंगी, एक सिमिलर सा पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप, मैं धीरे धीरे आकर के आपको सारे जो पैटर्न है वो आपको बताने वाला हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे रीड कर सकते हैं, चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, एक ओवरलोड नहीं लेंगे, एक साथ हम सारी चीजें नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे साके सारी चीजें हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप देखेंगे, अब आते हैं थोड़ा सा डोजी का रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं डोजी के बारे में, क्योंकि डोजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है चार्ट रीडिंग के अंदर। तो यहां पर देख पा रहे होंगे आप डोजी का एक पैटर्न, 3 पैटर्न आप यहां पर डोजी के देख पा रहे होंगे। देखिए, ये डोजी का पैटर्न है, इस तरीके का भी डोजी होती है, ये भी डोजी कैंडल है और ये भी डोजी कैंडल है। क्योंकि यार मुझसे जो है प्रीवियस वीडियोस के कमेंट में लोगों ने कहा था कि डोजी को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, कि डोजी जो है उसको रीड कैसे करें, पहचाने कैसे कि कौन सी कैंडल या कौन सा पैटर्न डोजी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर अभी आप 3 कैंडल्स देख पा रहे हैं, तीनों की तीनों ही डोजी को जो है डिफाइन कर रही है। तो अब जो है इस तरीके का पैटर्न देखते हो आप, तो करना क्या है, सपोज कीजिए जो है इन चार्ट से यानी इन कैंडल से पहले आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसा करके आपको अगर कोई भी पैटर्न आपको मिलता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड कर देना है चेंज, यानी अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में थे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ट्रेड कर देनी है प्लेस। 5 मिनट के लोगे तो भी आप विन करोगे, 1-2 मिनट की भी ले सकते हो, 3 मिनट की मैं सेफ समझता हूँ, सेफ ट्रेड होती है, तो 3 मिनट में आप जो है अच्छा खासा यहां से विन कर सकते हो। अब डोजी कैंडल जो है उसके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि किस तरीके से डोजी कैंडल को हम रीड कर सकते हैं। तो देखिए, अब सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे यहां पे डोजी कैंडल ने पैटर्न को चेंज किया, ग्राफ को चेंज किया और मार्केटिंग इंपैक्ट के साथ पूरे ग्राफ की सिचुएशन है उसको चेंज करके यहां पे एक नया सिनेरियो क्रिएट किया। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक डोजी कैंडल जो कि छोटी सी डोजी कैंडल बनी थी, उसके बाद ट्रेंड जो है चेंज हुआ था। तो यहां पे पीछे का ट्रेंड जो था अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहां पे ट्रेंड चेंज जरूर हुआ था,
लेकिन इस ये जो शेडो है, आप ये शेडो देख पा रहे होंगे, जैसे ये शेडो आपको मिलती है इस सिनेरियो में, यानी अगर ऊपर भी आपको ब्लैंक मिलता है, नीचे भी आपको ब्लैंक मिलता है और बीच में आपको शेडो मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि अब जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलने वाले हैं। तो यहां से अगर आप ट्रेड लोगे 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, तो डेफिनेटली आप विन करने वाले हो। फिर आपको एक और डोजी मिलता है यहाँ पे, और जैसे ही आपको एक और डोजी मिलता है वहां से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर देनी है। मैंने जैसा कि आपको कहा 3 मिनट की ट्रेड यहाँ पे सेफ मानी जाती है, आप 1 मिनट की भी ले सकते हो, क्योंकि मुझसे काफी लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि आप 1 मिनट की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करो। तो 1 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में भी आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चार्ट है इसके पैटर्न को आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। आने वाले टाइम में देखिए आपको यहाँ पे एक और डोजी मिला, लेकिन इसको परफेक्ट डोजी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए डोजी के बाद हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ। डोजी आपको 3 पैटर्न मैंने आपको डोजी के दिखाए हैं, इस तरीके का अगर कुछ भी मिलता है आपको तो आप उसको डोजी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसके अलावा कुछ मिलता है डोजी का तो वो आप कंसीडर मत करें। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ये जो कैंडल है पर्टिकुलरली यहाँ पे ओपन होने के साथ ही क्लोज हो गई है उसी पॉइंट पे, तो ये डोजी नहीं है। अगर डोजी जो होगी वो जहाँ पे ओपनिंग पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा या तो ज़्यादा या थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज होगी, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि वो डोजी है। और उसके बाद देखोगे तो सिमिलर पैटर्न आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो गाइज आज की जो वीडियो थी टोटली डोजी के ऊपर डेडिकेटेड थी, और इस तरीके के जो चार्ट है उसको रीडिंग के ऊपर डेडिकेटेड थी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, और अगर आप समझने कोई कोशिश भी करेंगे तो भी मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरलोड हो जाएगा, थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स में हर एक चीज़ समझेंगे। तो करना क्या है यार, सबसे पहले तो ये सीरीज़ को फॉलो करो अच्छे से, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा। चैनल पे ज्वाइन जरूर हो गए होंगे आप सब्सक्राइब करके, और एक और बात, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ यार, लाइव ट्रेडिंग और बहुत कुछ वहाँ पे चलता है। वहाँ पे नहीं होते हो तो बहुत कुछ मिस करोगे। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।